सेक्टर को लेकर एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने TRQ के तहत अमेरिका को 303 मेट्रिक टन अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। DGFT ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। चीनी का एक्सपोर्ट टैरिफ रेट कोटा के तहत होगा। इसके पहले अक्टूबर तक 8,424 मेट्रिक टन चीनी TRQ के तहत एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। 303 मेट्रिक टन मिलाकर 31 दिसंबर 2021 तक अमेरिका को कुल 8,727 मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट होगा। USDA की एक रिपोर्ट में दुनिया के कई देशों में चीनी के उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें भारत के उत्पादन का भी ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में चीनी का उत्पादन 34.7 मेट्रिक टन रह सकता है, जबकि पिछले साल यह मात्रा 33.76 मेट्रिक टन थी। पिछले सीजन की तुलना में इस बार उत्पादन बढ़ने की ज्यादा संभावना है। पिछले साल की तुलना में इस साल खपत भी ज्यादा ही रहने की संभावना जताई गई है। ड्यूटी फ्री होने से शुगर कंपनियों को इससे काफी फायदा होगा। जो शुगर कंपनियां खासकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, उनको फायदा होगा। USDA की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत ने 7 मैट्रिक टन चीनी का निर्यात किया था, जो इस बार 6 मैट्रिक टन यानी कि 6 लाख टन के करीब रह सकता है। गन्ना पेराई के पिछले सीजन में भारत ने कई बाहरी देशों को 7.2 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। भारत के चीनी मिल मालिक और निर्यातकों ने अब तक 2.1 लाख टन निर्यात के लिए डील पर साइन भी किया है। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने का ऐलान भी किया है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अब 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 10% तक इथेनॉल के साथ ब्लेंडेड पेट्रोल को बेचती हैं। इससे 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को गन्ने से निकाले इथेनॉल की कीमतों में 1.47 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया। कीमतें दिसंबर से शुरू हो रहे 2021-22 मार्केटिंग ईयर के लिए बढ़ाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।